हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहा करता था। अर्जुन एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ स्वभाव का लड़का था। वो गांव में छोटी सी दुकान पर मीठे पान बनाकर बेचा करता था। कुछ भी कहो अर्जुन, तुम्हारे मीठे पान सिर्फ इस गांव तक नहीं बल्कि दूर दूर के गांव तक प्रसिद्ध हैं। ये तो उन सबका बड़प्पन है मुखिया चाचा, वरना मैं तो और लोगों की तरह ही पान बनाता हूँ। बल्कि मैं तो मानता हूँ कि मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा मीठा पान तो सुखिया चाचा बनाते हैं। अरे नहीं अर्जुन, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। मेरा विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर तरक्की करोगे। आप भी ना मुखिया चाचा, कभी सुना है आपने कि पान बेचने वाला तरक्की करे? अच्छा सुनो, शहर से मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं शाम तक, वो यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने तुम्हारे मीठे पान की बहुत ज्यादा तारीफ कर रखी है, तो तुम थोड़ा सा उनका ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल मुखिया चाचा बिल्कुल, आप टेंशन फ्री होकर शाम को उन्हें यहाँ ले आइए। मेरे हाथ का बना हुआ पान वो अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। शाम को मुखिया दो लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच गया। अर्जुन, यही है मेरे वो शहर से आए हुए मेहमान। अर्जुन ने उन दोनों को दो मीठे पान बनाकर दे दिए। मगर जैसे ही उन दोनों ने उन दोनों मीठे पानों को खाया, अचानक उनकी जुबान कट गई। क्या हुआ? अर्जुन के बने हुए पान तो बड़े प्रसिद्ध होते हैं, तुम दोनों इतना बुरा सा मुंह क्यों बना रहे हो? क्या मुखिया जी, आपने तो कहा था कि आपके गांव का ये लड़का बहुत ही अच्छे पान बनाता है। मुखिया क्रोधित होते हुए अर्जुन से बोला, ये क्या हरकत है अर्जुन, तुम इन सबके सामने अपमान करना चाहते हो? नहीं मुखिया जी, मैंने तो मीठे पान बनाए थे, लेकिन पता नहीं ऐसी गलती मुझसे कैसे हो गई। बस 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 करो, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो तुम दोनों मेरे साथ। मुखिया क्रोधित होते हुए वहाँ से चला गया। शाम को अर्जुन दुकान बंद करके जब अपने घर पर गया। कितनी बार कहा है तुमसे कि दुकान इतनी जल्दी बंद मत किया करो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी, रात के 11 बज रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी रात अपनी दुकान खुली रखूं? मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। अरे तुम्हारा काम ही क्या है, दिन भर बस दुकान पर बैठे बैठे पान ही तो बेचते रहते हो ना। लाओ जल्दी से, महीने की जितनी भी आमदनी हुई है उसे मेरे हाथ में दे दो। अर्जुन ने 10,000 रुपए अपने पिता के हाथों में रख दिए। पिताजी, इस महीने की आमदनी इतनी ही हुई है। तुम अच्छी तरह से जानते हो अर्जुन कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। पिछले महीने तुमने मुझे 12,000 रुपए दिए थे। तुम्हारे पैसे हर महीने कम होते जा रहे हैं। याद रखना, अगले महीने अगर 10,000 रुपए से 1 रुपया भी कम तुमने मुझे दिया तो मैं तुम्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। तभी वहाँ पर अर्जुन की सौतेली बहन दिव्या आ गई। बस कीजिए पिताजी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती अपने ही बेटे पर अत्याचार करते हुए? भैया सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपनी कमाई का 1-1 रुपया आपके हाथों में रख देते हैं, उसके बाद भी आपकी पैसों की भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही। अपना मुँह बंद रखो दिव्या, तुम जानती नहीं कि ये तुम्हारा सौतेला भाई है। हाँ जानती हूँ, ये मेरा सौतेला भाई है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि भाई भाई होता है, फिर चाहे वो सगा हो या सौतेला। अरे इतना तो कोई सगा बेटा भी नहीं करता जितना कि आपके लिए भैया कर रहे हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर निरंजन दास वहाँ से चले गए। तुम्हें पिताजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए दिव्या। और पिताजी जो हर समय आपको बुरा भला बोलते रहते हैं, वो कहाँ तक सही है? अब आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। अगले दिन अर्जुन अपनी दुकान पर पहुँच गया, मगर वहाँ जाकर उसने देखा कि उसकी दुकान टूटी हुई थी और वहाँ पर मुखिया कुछ व्यक्तियों के साथ खड़ा था और उसे क्रोध भरी नजरों से देख रहा था। ये आपने क्या किया, मेरी दुकान क्यों तोड़ दी? कल तुमने जो मेरे मेहमानों के सामने अपमान किया था ना, उसका बदला तो मुझे लेना ही था। मैंने पान में जानबूझकर चूना नहीं डाला था मुखिया जी। अच्छा तो वो चूना अपने आप ज्यादा हो गया? ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो अर्जुन, मुझे सब पता है, ये सब तुम्हारी चाल थी,
मुझे अपमानित करने की, तो इसके बदले आप मुझे मार देते, पीट लेते, मेरी दुकान तोड़ने की क्या जरूरत थी? तेरी ये दुकान अवैध जगह पर स्थित थी, इसीलिए मैंने इसे तोड़ दिया। अब तुम चाहकर भी इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करा सकते, और वैसे भी तुम्हारी दुकान में था ही क्या, सिर्फ ये पान? मुखिया जी, अब मैं क्या करूँगा? आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी को हर महीने मुझे एक बंधी हुई रकम देनी होती है। अगर मैंने समय पर उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तो फिर तुम एक काम करो अर्जुन, अपनी पान की टोकरी उठाओ और घर घर जाकर पान बेचो। अर्जुन बेचारा फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसके पास अब घर घर पान बेचने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं था। उस दिन के बाद अर्जुन टोकरी लेकर घर घर पान बेचने लगा। शाम तक वो इतना थक जाता कि उसे कुछ भी होश न रहता। एक दिन की बात है, अर्जुन पान बेचकर शाम को घर जा रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर उसे रोता हुआ मिला। क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। डॉक्टर ने तो तुरंत उसे भर्ती करने के लिए कहा है। आपको कितने पैसों की आवश्यकता है बाबा? मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है। काश अगर कहीं से मुझे पैसे मिल जाते तो मेरी पत्नी की जान बच जाती। अर्जुन अपने मन में कुछ सोचने लगा, क्योंकि उसके पास कोई 10,000 रुपए ही थे। बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन की बात सुनकर खुश हो गया। ये लीजिए बाबा, 10,000 रुपए, आप रख लीजिए और अपनी पत्नी का जाकर इलाज करवाइए। बेटा, मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन गांव के उस पहाड़ी पर मेरी जमीन पड़ी हुई है, तुम चाहो तो उसमें खेती कर सकते हो। बाबा, लेकिन अगर आपके पास जमीन पड़ी हुई थी तो आपने उस जमीन को बेचकर अपनी पत्नी का इलाज क्यों नहीं कराया? इतनी जल्दी उसे कोई खरीद नहीं पाता बेटा। लेकिन बाबा, मैं उस जमीन में किसकी खेती करूँगा? तुम पान बेचते हो ना, तो फिर पान की खेती क्यों नहीं कर लेते? इतना कहकर उस व्यक्ति ने पान का टुकड़ा अर्जुन को दे दिया और बड़े रहस्यमयी अंदाज में बोला, ये कोई मामूली पान का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जादुई पान का टुकड़ा है। बरसों पहले इस पान के टुकड़े को मुझे किसी ने दिया था। आज मैं इस पान के टुकड़े को तुम्हें वरदान स्वरूप दे रहा हूँ। तुम जैसे ही इस पान के टुकड़े को जमीन में गाड़ कर निकालोगे, कुछ ही समय बाद पान की खेती पूरी जमीन में फैल जाएगी। मगर याद रखना, लालच मत करना और अधिक पान मत उगाना। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया और अर्जुन अपने घर पर आ गया। पैसे कहाँ है अर्जुन? पैसे नहीं है पिताजी, मैं आपको अगले महीने 20,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, याद रखना, अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए ना, तो इस घर के लिए तुम्हारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अर्जुन ने अपने पिता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन अर्जुन ने उस व्यक्ति के बताए हुए मुताबिक खुद की जमीन पर पहुंच गया और अर्जुन ने वो छोटा सा पान का टुकड़ा जमीन में गाड़ दिया। और जैसे ही उसने उस हिस्से पर पानी डाला, देखते ही देखते जमीन के हर हिस्से से छोटे छोटे पान उगने लगे। अर्जुन ने उस पान के टुकड़े को निकाल लिया। बाबा, तो वाकई बड़े चमत्कारिक निकले। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं देखते ही देखते बहुत धनवान हो जाऊंगा और अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। उस दिन से अर्जुन पान की खेती करने लगा और अर्जुन के दिन बदल गए। अगले महीने अर्जुन ने पूरे 30,000 रुपए अपने पिता के हाथ में रख दिए और वहाँ से चला गया। इसके पास 30,000 रुपए कहाँ से आए? जहाँ तक मैंने सुना है तो इसकी दुकान भी मुखिया ने तोड़ दी। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये इतने पैसे ला कहाँ से रहा है। उस दिन के बाद अर्जुन के सौतेले पिता अर्जुन का पीछा करने लगे और एक दिन उसने अर्जुन को पान की खेती करते हुए देख लिया। वो हंसते हुए अर्जुन की ओर देखकर बोला, अच्छा तो सारा का सारा माजरा ये है, लेकिन तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा।
अरे तुम्हारे पास जब ये जादुई पान का पत्ता है और तुम इससे बहुत सारी खेती कर सकते हो और बहुत सारे पान उगा सकते हो, तो फिर तुम इतने कम पान क्यों उगाते हो? नहीं पिताजी, मैं लालच नहीं करूंगा। लाओ वो पान का टुकड़ा मुझे दे दो, खेती मैं करूंगा और तुम जाकर घर पर बैठो। पिताजी आप बात समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा लालच अंधा कर देता है और मुझे ज्यादा पान उगाने से मना किया गया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो अर्जुन कि अगर मैंने इस संसार में किसी से प्रेम किया है तो वो सिर्फ धन से किया है। अगर तुमने वो पान का टुकड़ा सीधे तरीके से मेरे हवाले नहीं किया तो घर से मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं निकालूंगा बल्कि तुम्हारी बहन को भी धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। ना चाहते हुए भी अर्जुन ने मजबूरी में वो पान का टुकड़ा अपने पिता को दे दिया। मूर्ख कहीं का, अब मैं सारे पान उगाऊंगा और बेच दूंगा और देखते ही देखते मेरा घर हवेली में परिवर्तित हो जाएगा। मगर इसका उल्टा हुआ। देखते ही देखते उन मीठे पानों को जिसने भी खाया वो सब बीमार पड़ गए। कुछ समय बाद मुखिया सारे गांव वालों को लेकर निरंजन दास के घर पर पहुंच गया। निरंजन दास, तुम्हारा पान जिसने भी खाया वो सब बीमार पड़े हुए हैं। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने उन मीठे पानों में कुछ भी नहीं मिलाया, फिर भी पता नहीं क्यों लोग बीमार पड़ गए। वो सब मुझे नहीं पता, तुमने उन्हें बीमार किया है तो अब तुम ही उन्हें सही करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा और तुम्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। मुखिया चाचा, अपने पिता की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो लोग बीमार हुए हैं मैं उन्हें सही करने का पूरा प्रयास करूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मुखिया वहां से चला गया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधा हो चुका था। मुझे समझ आ गया है कि ज्यादा लालच इंसान को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देता। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपको समझ आ गया है, मेरे लिए यही काफी है। उस दिन के बाद अर्जुन उस बूढ़े व्यक्ति को तलाशने लगा और उसकी मेहनत रंग लाई। मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा लालच मत करना। बाबा, लालच मैंने नहीं मेरे पिताजी ने की थी और उसका उन्होंने फल भी भुगता। कोई और होता तो मैं भी उसकी मदद नहीं करता, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, उसके बाद भी तुम उनकी मदद करना चाहते हो। सुनो, अब तुम उस जादुई पान से जो भी पान उगाना उसमें से एक उगे हुए पान को पीस लेना और उस लेप को सब पानों में मिला देना। वो सारे पान जड़ी बूटी का काम करेंगे और जितने भी लोग बीमार हुए हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। अर्जुन ने ठीक वैसा ही किया, उसने जड़ी बूटी तैयार की और अपने उगाए हुए पान में उस जड़ी बूटी को मिला दिया। उसके बाद जिसने भी उस पान को खाया वो सब स्वस्थ हो गए और देखते ही देखते अर्जुन के उगाए हुए मीठे पान दूसरे शहरों में भी प्रसिद्ध होने लगे। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारी वजह से आज इस गांव का नाम कितना प्रसिद्ध हुआ है। नहीं मुखिया जी, माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सब एक ही गाँव के वासी है, एक भाई की तरह, और भाइयों में तो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। अर्जुन की बात सुनकर मुखिया मुस्कुराने लगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी बहन का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया। अब उसके पिता अर्जुन को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्रेम करने लगे और अर्जुन आज भी जादुई मीठे पान की खेती करता है। महुआपुर गाँव में सबसे मशहूर थे बिरजू के पान। दूर दूर से लोग बिरजू काका के पान खाने आया करते थे। काका, हमको तनिक एक स्पेशल पान लगा दो, मुझे तो दो पान दे दो, आज मेहरारू के संग खाएंगे। हाँ हाँ दे रहे हैं। अरे काका, आप ऐसा का अलग डालते हो अपने पान में जो आपके जैसा स्वाद कहीं आता ही नहीं? अब यह तो हमारा सालों का अनुभव है बेटा, अब 35 साल हो गए हैं हमें पान बनाते बनाते। वाह काका वाह, ये तो कमाल है। बिरजू के हाथ का पान खाकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते।
और उसकी तारीफ किए बगैर नहीं जाते। बिरजू एक पान 15 रुपए में बेचता था, फिर भी लोग उसी की पान पट्टी से पान खाना पसंद करते थे। बिरजू की पान पट्टी के सामने रवि की भी पान पट्टी थी। रवि एक पान 10 रुपए में बेचता था। स्पेशल पान बस 10 रुपए, 10 रुपए। अरे भैया रुको जरा, एक बार हमारा भी पान चक्कर तो देखो। अरे भैया आपके पान में वो बाट नहीं है जो बिरजू काका के पान में है। अरे लेकिन हम भी पान में वही सब डालते हैं जो बिरजू काका डालते हैं। वो जो भी हो, हम तो बिरजू काका का ही पान खाएंगे। रवि लोगों को बुलाया करता, पर फिर भी लोग उसके पान नहीं खाया करते थे। कुछ गिने चुने ही लोग थे जो रवि की दुकान पे पान खाते थे, इसलिए रवि बहुत ही उदास रहता था। हर दिन रवि मुंह लटकाकर घर जाता था। का हुआ, आज भी अच्छी बिकारी नहीं हुई का? लगता है उस बिरजू काका के मरने तक हमारा कोनो बिक्री नहीं होगी। सोच रहे हैं कि किसी और गांव में जाकर के पान पट्टी खोले। हम कहीं नहीं जाएंगे, इस गांव में सब कुछ अच्छा है। लेकिन कमाई का कोनो पता ठिकाना ही नहीं है। वो तुम्हारी समस्या है, खुद सुलझा लो, हम का करें। वैसे बताना भूल गए, कल हमारा भाई आ रहा है, कुछ दिन वो यही रहेगा। एक और नहीं समस्या। कछु बोले क्या? नहीं तो। रवि की समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। एक और उसकी आमदनी घट रही थी और दूसरी और उसकी पत्नी के तेवर। खैर अगला दिन आया, सर्वोदय के साथ गांव में चहल पहल शुरू हो गई और बिरजू और रवि ने अपनी पान पट्टी खोली। और हमेशा की तरह बिरजू के आते ही उसके ग्राहक भी आ गए। पता नहीं मेरी पान पट्टी कब चलेगी। रवि निराश पान पट्टी पर बैठा था। ओ जीजा जी प्रणाम, आप दूर से ही प्रणाम करोगे या समीप आओगे? आप भी ना जीजा जी। मुकेश ने अपने जीजा के पैर छुए। मुकेश का ध्यान रवि की आंखों पर गया। अरे जीजा जी, आप तो सूख कर काटा हो रहे हैं, मेरी जीजी आपका ख्याल व्याल नहीं रखती हैं क्या? अब ये तो अपनी जीजी से ही पूछना। मुकेश का ध्यान रवि की आंखों पर गया। रवि बिरजू की पान पट्टी घूरे जा रहा था। क्या हुआ जीजा जी, कब से उस पान पट्टी वाले को टुकुर टुकुर घूरे जा रहे हो? अब का बताऊं, उस पान पट्टी पे देख कितनी भीड़ है और एक मेरी पान पट्टी है, कौनो ग्राहक ही नहीं आता है। पता नहीं वो बिरजू अपने पान में ऐसा का डालता है, ग्राहक खींचे चले आते हैं उसके पास। जब तक वो पान बनाता रहेगा मेरा धंधा तो चौपट ही रहेगा। मेरे पास एक रास्ता है जीजा जी, वो सारी भीड़ आपका पान खाएगी और आप उस बुढ़ऊ से भी ज्यादा कमाएंगे। कैसे? मुकेश ने अपना आइडिया रवि के कानों में बताया। पर इसमें कोनो गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बहुत लोग पान में डालते हैं, और फिर देखना जो एक बार खाएगा वो बार बार खाएगा। ठीक है, एक बार आजमा कर देखते हैं, हम लेके आते हैं। मुकेश कहीं चला गया और रवि बिरजू की दुकान की ओर हंसते हुए देखने लगा। अब देखते हैं हमारे पान कैसे नहीं बिकते। कुछ देर बाद मुकेश वो चीज लेकर आ गया। थोड़ा थोड़ा हर पान में मिला देना जीजा जी। ठीक है, अब हम चलते हैं जीजी से मिलने। मुकेश ने रवि के पैर छुए। हाँ हाँ खुश रहो, और फिर वहाँ से चला गया। रवि ने वो चीज मिलाकर पान बनाया। मुफ्त का पान, एक पान मुफ्त। आओ 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 चखो, ऐसा पान कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा। रवि की आवाज सुन लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। लगता रवि पगलाए गवा है, पान मुफ्त में दे रहा है। हमको लगता है प्रचार करने के लिए मुफ्त में दे रहा है। चलो ठीक है, चलकर खा ही लेते हैं। बिरजू के कुछ ग्राहक रवि की पान पट्टी पे आए। हमको एक मुफ्त पान दो और हमको भी। रवि ने दोनों ग्राहकों को पान दिया। वो पान खाते ही उनका मन खुश हो गया और चेहरे पे मुस्कान आ गई।
अरे वाह, ये तो कमाल है। ऐसा पान हमने जिंदगी में नहीं खाया। बाबा क्या पान है। अपने पान की तारीफ सुन रवि खुश था। एक और पान दो। एक ही पान मुफ्त था, दूसरे का दाम 15 रुपया। ठीक है, ये लो। रवि ने पैसे लिए और दूसरा पान लिया। इन दोनों को देखकर कई और ग्राहक रवि का पान खाने आए। हमको भी मुफ्त पान दो, हमको भी। जिस जिसने मुफ्त का पान खाया सभी ने दूसरा पान खरीदा और उस पूरे दिन में रवि के बहुत ही अच्छी आमदनी हुई। आज रवि बहुत खुश था, इसलिए वो अपने घर मिठाई ले गया। अरे वाह जीजा जी, बहुत खुश लग रहे हो। तुम्हारा आइडिया काम कर गया। आज पहली बार इतने सारे पैसे एक ही दिन में कमाए हैं हम। वाह वाह, ये लो समरना, तुम्हारी मन पसंद मिठाई। और आज की कमाई। रवि ने पैसों की गड्डी स्वर्णा के हाथ में रख दी, जो देखकर वो भी हैरान थी। अरे ये का, आज कोनो जादू वादू किए हो क्या? जी जी, ये हमारा कमाल है। आज से जीजा जी रोज ऐसे मोटे पैसे कमाएंगे। वाह भैया। स्वर्णा ने अपने भाई का बहुत लाड किया। रवि रोज वो चीज पान में मिलाने लगा। ग्राहक उस पान को बार बार खाने आने लगे। बिरजू के भी सारे ग्राहक अब रवि का पान खाते थे। बिरजू की पान पट्टी अब खाली रहने लगी। ये देखकर बिरजू हैरान था। हे भगवान, ये कैसी माया है तेरी, अपनी कृपा हमारा पे बनाए रखना भगवान। बिरजू प्रार्थना कर ही रहा था कि उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया, एक अजनबी ग्राहक। काका एक पान दो। बिरजू ने उस ग्राहक को पान दिए और 15 रुपए ले लिए। फिर वही ग्राहक रवि की दुकान पर गया और उसने वहाँ से भी एक पान खरीदा और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। कुछ देर बाद ये अजनबी वापस लौटा और सीधा रवि की दुकान पर गया। उसने रवि के हाथों में हथकड़ी बांध दी। भोले भाले लोगों को अफीम वाला पान खिलाते हो? ये झूठ है सर, हमने अफीम नहीं मिलाया। हम नारकोटिक डिपार्टमेंट से हैं। हमें पहले ही टिप मिल गई थी कि इस गांव में कोई पान वाला अफीम मिलाकर बेच रहा है, और जब हमने दोनों पान वालों के पान को चेक किया तो पता चला कि तुम्हारे पान में अफीम मिली है। अब तुम्हारी आगे की जिंदगी जेल में कटेगी। पुलिस वालों ने रवि को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। उसके थोड़े से पैसों के लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारी ही बुद्धिया पर पत्थर पड़ गया था जो हमने अपने साले की बात सुन पान में अफीम मिलाया। लालच के चक्कर में हमारा ही हाल हो गया है। ना वो पान में अफीम मिलाता और ना उसके ये हाल होते। लालच बुरी बला है।